रसोई सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, पूरे इलाके में मची सनसनी, पुलिस मौके पर। यूपी के रामपुर में शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के सैफनी में कुछ इस तरह का हादसा हुआ कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वाली कहावत सिद्ध हुई। मां की ममता आग के शोलों में घुसकर हादसे की जगह सो रहे बच्चों को उठा लाई और जाने बचा ली। सैफनी निवासी फहीम पुत्र छोटे के घर में जोरदार ब्लास्ट हो गया। जब तक लोग समझ पाते तब तक आग की ऊंची ऊंची लपटों ने छत में सीमेंट की चादरों के पछाड़े उड़ा दिए। आवाज से भारी मात्रा में ग्रामीण एकत्र हो गए और आग पर काबू पा लिया, परंतु घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना से लगभग 1,00,000 रुपये का नुकसान हुआ है। फरीम, फरीम, फरीम। ये आपने सिलेंडर कब खरीदा था? ये परसों लेके आए खरीद के। अच्छा, सही, तो सही, आपने लगाया कब तक चूल्हे पे? चूल्हे पे ये सुबह लगाया था। आज ही सुबह लगाया और लगाती फट गया? सिलेंडर में आग लग गई और मतलब बुझाने वाला भी कुछ था नहीं। लगभग नुकसान कितना हो गया? सब कपड़े लगते सब 60-70 हज़ार रुपए उठी गई, जली गई हमारी। ये जो छत वत इसकी क्या हुआ? वो भी सब टूटी पड़ी है, टूटी गई, फट गई। अपनी का घर है और इसमें आज सुबह खाना बनाते समय किसी कारणवश सिलेंडर में आग लग जाने के कारण सिलेंडर फट गया है। काफी सामान जल गया है मौके पर, लेकिन गनीमत की ये बात रही है कोई जनहानि नहीं है। सूचना पाकर 100 नंबर पुलिस भी आ गई है, हम भी आ गए हैं। आज जैसा उसने बताया 7 बजे उसने चूल्हे में लाइटर से आग जलाई, लेकिन ये आग सिलेंडर की नाप तक पहुंच गई और कमरे में फैल गई। सिलेंडर में विस्फोट हो गया है। विस्फोट से उसके बेडरूम के बाहर, गरीब लोग हैं, एक कमरे का मकान है, उसके बाहर जो एस्बेस्टस सीट का बरामदा था वो धमाके से एस्बेस्टस सीट चूर चूर होकर गिर गई। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग कमरे में इस तरह से फैल गई थी कि उसकी गृहस्थी का सामान, बेड, टेबल, कूलर और भी जो सामान उसके गृहस्थी के थे उसको, वो सभी क्षतिग्रस्त हो गए या जलते नष्ट हो गए।